दोस्तों, आपने अमीर उद्योगपतियों से लेकर अमीर अभिनेताओं के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी अमीर मंदिर के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मीनाक्षी अमन मंदिर मदुरै। भगवान शिव व मीनाक्षी देवी पार्वती के रूप के लिए समर्पित मीनाक्षी अमन मंदिर भी भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पार्वती के सबसे पवित्र स्थानों में माना जाता है। मीनाक्षी अमन देवी मंदिर विश्व के नए 7 अजूबों के लिए नामित भी किया गया था। यह मंदिर प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में गिना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसी मान्यता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर भी भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। गुरुवयूर मंदिर केरल। गुरुवयूर मंदिर केरल में स्थित है। इसे विष्णु भगवान का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। यह मंदिर अपने खजाने के कारण भारत के 10 अमीर मंदिरों में गिना जाता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात। सोमनाथ हिंदुओं का एक ऐसा मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। कहा जाता है कि गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्र देव ने किया था। सोमनाथ मंदिर में हर साल करोड़ों का चढ़ावा दान के रूप में आता है, इसलिए ये मंदिर भारत के अमीर मंदिरों में गिना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू। वैष्णो देवी मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस मंदिर में मूर्तियां नहीं बल्कि 3 पिंड स्थापित हैं, जो सर्वशक्तिमान है। कहा जाता है कि यहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर की देखरेख वैष्णो देवी साइन बोर्ड करती है। वेंकटेश्वर मंदिर के पास सबसे ज्यादा श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर आते हैं। यहाँ हर साल लगभग 500 करोड़ तक का दान आता है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई। यह भारत का सबसे लोकप्रिय गणेश मंदिर सिद्धि विनायक है, जो मुंबई में स्थित है। मुंबई समेत पूरे भारत में इस मंदिर की एक अलग ही मान्यता है। कहा जाता है कि भक्तों द्वारा मांगी गई हर मुराद को गणपति बप्पा पूरा करते हैं। यह मंदिर भी भारत के अमीर मंदिरों में गिना जाता है। साई बाबा मंदिर शिरडी। भारत में साई बाबा को अलग अलग रूपों में जाना जाता है, पर उनके भक्त उनको संत कहते थे। साई बाबा के नाम से लेकर उनके जन्म स्थान, उनके असली माता पिता से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के पास पूर्ण रूप से नहीं है। उनको यह साई शब्द भी भारत के पश्चिम में स्थित महाराष्ट्र के शिरडी नाम के एक कस्बे में जाने के बाद मिला था। इन्हीं के नाम पर शिरडी मंदिर की स्थापना हुई थी। साई मंदिर भी भारत के अमीर मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर के पास 32 करोड़ की चांदी के जेवर और 6 लाख की कीमत के चांदी के सिक्के की संपत्ति है। इस मंदिर में सालाना लगभग 350 करोड़ का दान आता है। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण के नाम पर स्थापित पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस मंदिर को भारत के 4 धामों में गिना जाता है। यह मंदिर भारत के 10 अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में जितना भी दान आता है उसको सामाजिक कार्यों और मंदिर की व्यवस्था पर खर्च कर दिया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर एक अद्भुत कला का नमूना है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह मंदिर 7 पहाड़ों से मिलकर बने तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि तिरुमला की पहाड़ी विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पहाड़ी है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित है। लगभग 50,000 करोड़ की कुल संपत्ति वाले इस मंदिर में करीब रोजाना 50,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तिरुवंतपुरम शहर के बीच स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर को द्राविड़ शैली में बनवाया गया था। इस मंदिर की कुल संपत्ति 1,00,000 करोड़ रुपए की है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। इसकी देखभाल त्रावणकोर के पूर्वी शाही परिवार द्वारा की जाती है। मंदिर में स्थापित विष्णु भगवान के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।